दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। क्या है खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। कंगारू टीम में 2 बदलाव हुए हैं। मैट रेंसा की जगह ट्रेविस हेड को मौका मिला है, वहीं मैथ्यू कुमेन डेब्यू कर रहे हैं। टीम इंडिया में भी एक बदलाव हुआ है। सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। वहीं चेतेश्वर पुजारा का यहाँ 100वां टेस्ट है। नागपुर टेस्ट जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। दोस्तों बता दें, दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाई। ख्वाजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की व अभी भी 50 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं। मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई और डेविड वार्नर को मात्र 15 रन पर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने एक ही ओवर में मार्सन लाबसेन और स्टीव स्मिथ को पवेलियन की राह दिखाई और टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई। दोस्तों, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।